मोहम्मद काशिप एंड टुडे माय टॉपिक इज माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट इज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू डू इट्स वर्क। इट इज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज लोकेटेड ऑन ए इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर का ये एक बहुत ही अहम आला है, इसके बगैर कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है और हम जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज में होती है। इसलिए इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोसेसर जो है ये बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए। ये भी दूसरे सीपीयूज की तरह तीन काम ही करता है, यानी फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है कैलकुलेटर्स में, ये यूज़ होता है मिलिट्री बेस एप्लीकेशंस में, ये इस्तेमाल होता है कंप्यूटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। अगर ये शुरू में जो सबसे पहले बनाया गया था माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम था एंटल 4004, जो कि बनाया गया था 1971 में, और उस वो सिर्फ 4 बिट, यानी ये 4 बिट तक ही प्रोसेस कर सकता था, इससे ज़्यादा उसकी ताकत नहीं थी, और सिर्फ वो जमा या नफी करता था, ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर सकता था। इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रो कंट्रोलर की। माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटर। माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि बीटेड सिस्टम में इस्तेमाल होता है। इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी अलार्म में, ये इस्तेमाल होता है कैमराज में, MP3 प्लेयर्स में वगैरह में ये इस्तेमाल होता है। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल होता है, और माइक्रो प्रोसेसर वो एम्बेडेड सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा ये कि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो एक से ज़्यादा सीपीयूज इस्तेमाल करता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ एक ही सीपीयू होता है। माइक्रो प्रोसेसर की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स में इसकी टाइप्स में आ जाती हैं कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर वगैरह। और इसकी माइक्रो कंट्रोलर की अगर टाइप्स देखी जाएँ तो इसकी टाइप्स में आ जाती है 8-bit माइक्रो कंट्रोलर, 16-bit माइक्रो कंट्रोलर एंड 32-bit माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर एंड एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर भी इसी में शामिल है। सिंपली अगर हम इसे समझना चाहें तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को उठाता है, उन्हें डिकोड करता है, उन्हें यानी कि समझता है कि कहा क्या गया है करने को, और फिर उस काम को सरंजाम देता है जो उसे कहा गया होता है। और अगर माइक्रो कंट्रोलर को देखा जाए तो माइक्रो कंट्रोलर जिस भी सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम में ही इस्तेमाल होता है, अगर जिस भी सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है उस पूरे होल सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। यानी कि अगर सिक्योरिटी अलार्म की बात की जाए तो सिक्योरिटी अलार्म जब भी कोई हादसा वगैरह हो जाता है तो अपने आप ही बजने लग जाते हैं, ये सब वो जो माइक्रो कंट्रोलर अंदर लगा होता है वही सब कुछ ये कंट्रोल कर रहा होता है,